सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल इस वक्त हमारे साथ हैं। सुनीता जी, जिस तरीके से पंजाब में जिस तरीके से नशे को लेकर व्यापक अभियान चल रहा है, दूसरी तरफ उससे सटे हरियाणा में भी विशेष कोशिश चल रही है और गृहमंत्री ने सांसदों को हिदायत दी है, क्या हिदायत दी है? देखिए, ऐसा है कि पिछले दिनों माननीय गृहमंत्री जी के साथ मेरी मुलाकात हुई थी और उसमें हमने उनसे स्पष्ट रूप से ये कहा था कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से 120 के करीब जिले जो हैं वो चिन्हित किए गए हैं जहां पर नशा ज़्यादा है, और हमारे हरियाणा में 10 ऐसे ज़िले हैं, और दुर्भाग्यवश मेरे दोनों जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मेरी सिरसा लोकसभा के अंदर सिरसा और फतेहाबाद, दोनों ज़िले ऐसे आते हैं जो चिन्हित किए गए हैं। तो मेरी इस बारे में उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे इस बारे में आश्वस्त किया कि सरकार बहुत संजीदा है इन बातों को लेकर, और आप मैं इस बात को बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी अपने दिल की गहराइयों से कि उसके तुरंत बाद जो है माननीय गृह मंत्री जी ने चंडीगढ़ के अंदर जो है वो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस रखी, जिसके अंदर आसपास के सभी जो हमारे राज्य हैं उनके जो सभी मुखिया हैं, मुख्यमंत्री और साथ में जो DGP हैं, वो सभी वहाँ पर पहुँचे और पुलिस का पूरा जो है सिस्टम वहाँ पर पहुँचा, और 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में ये निर्णय लिया गया कि इसमें और सख्ती की जाएगी। और आप देखिए कि 75,000 के करीब का टारगेट था, लेकिन 82,000 के करीब जो है वो किलो जो है ये ड्रग्स, उसको वहाँ पर जो है नष्ट किया गया, और बहुत ज़्यादा लेकर इस बात को लेकर संजीदा है हमारा गृह मंत्रालय और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अभी भी RDX काफ़ी मात्रा में पकड़ा गया है इधर जो है ये, तो ये सब चीज़ें ये दर्शाती हैं कि हमारी गृह मंत्रालय जो है वो इन सब बातों को लेकर, चाहे आतंकवाद हो और चाहे ड्रग्स हो, कि बहुत ज़्यादा संजीदा है। RDX का आपने जिक्र किया है, कुरुक्षेत्र में पकड़ा गया है, गंभीर घटना हुई है, उससे पहले ये कार्रवाई हुई है, आपको लगता है कि हरियाणा को भी निशाने पर लेने की कोशिश चल रही है? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो पंजाब है वो ये नई सरकार बनने के बाद से वहाँ पर स्थिरता जैसी बात नहीं है, बहुत सी इस तरह की घटनाएं आपने भी देखी होंगी। तो लेकिन हमारा केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है वो इस बात को लेकर बहुत संजीदा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में, चाहे हम ड्रग्स की बात करें, इसको भी इंटरनेशनल लेवल पर, हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने ये बात कही है कि इसको हम एक, इसको नेशनल जो है वो लेवल पर हम इस बात को मानते हैं कि एक बहुत बड़ा थ्रेट जो है ये है ड्रग्स जो है, और मुझे लगता है कि चाहे ड्रग्स की बात हो चाहे आतंकवाद की बात हो, इसके ऊपर बहुत जल्द और बहुत अच्छी तरह से लगाम जो है हमारा गृह मंत्रालय लगा रहा है। धन्यवाद बात करने के लिए। और सुनीता दुग्गल हरियाणा के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण बयान देते हुए गृहमंत्री से मुलाकात, और जिस तरीके से गृहमंत्री ने कई विशेष हिदायत दी हैं सांसदों को, उसको लेकर उन्होंने कई अहम बातें कही हैं। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।